चैप्टर 7 सिटिंग अरेंजमेंट बैठक की व्यवस्थीकरण। ये संपूर्ण पाठ आरेख पर आधारित है, अतः कृपया इस पाठ को समझने के लिए आप अपने अध्यापक अथवा मित्र की मदद अवश्य लें। दिए गए विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति या वस्तु के समूह को एक सुव्यवस्थित क्रम प्रॉपर ऑर्डर में बैठाने की प्रक्रिया को बैठक की व्यवस्थीकरण कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह दिए होते हैं और उनका स्थान यानी पोजीशन भी दिया होता है। प्रतियोगियों को किसी एक व्यक्ति या वस्तु का स्थान पोजीशन किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष में ज्ञात करना होता है। अब आइए कुछ विशेष उदाहरणों के द्वारा इन तथ्यों के स्पष्टीकरण पर एक नजर डालें। उदाहरण एक, 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। पी ई और आई के बीच में बैठा है, ई एन के बगल में बैठा है, एन वाई के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाई ओर है, और जे आई के बगल में बैठा है। बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है। एक आई और जे, दो वाई और एन, तीन जे और पी, चार पी और आई, पांच एन और पी। यहां पर एक आरेख दिया गया है जिसके अनुसार दाई ओर चलने पर सबसे पहले वाई, उसके बाद एन, उसके बाद ई, उसके बाद पी, उसके बाद आई और अंत में जे बैठा है। आरेख से बिल्कुल स्पष्ट है कि एन और पी ई के बगल में बैठे हैं। उदाहरण दो, 6 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। अजय प्रवीण के बाई ओर है, संजय अमित और विजय के बीच में है, शंकर अजय और अमित के बीच में है। बताएं कि विजय के बाई ओर कौन है। विकल्प है एक प्रवीण, दो अमित, तीन अजय, चार शंकर, पांच संजय। यहां पर एक वृत्त दिखाया गया है जिसके अनुसार विजय के बाई ओर प्रवीण बैठा है। उदाहरण तीन, व्यक्ति एक वृत्त बनाकर बैठे हैं। वीरेंद्र का मुंह विकास की ओर है जो कि नरेंद्र के बाईं ओर और प्रवीण के दाईं ओर है। नरेंद्र मनीष के बाईं ओर है, नवीन विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यदि मनीष अपना स्थान नवीन से बदल ले और प्रवीण अपना स्थान विकास से बदल ले तो मनीष के बाईं ओर कौन बैठा होगा। विकल्प है एक नवीन, दो विकास, तीन नरेंद्र, चार वीरेंद्र, पांच पंकज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प चार, वीरेंद्र। उदाहरण चार, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। आशीष रमण और दीपक के बीच में है, संजीव विकास के बाईं ओर है, रमण संजीव के बाईं ओर है। बताएं कि आशीष के दाईं ओर कौन है। विकल्प है एक विकास, दो रमण, तीन दीपक, चार संजीव, पांच संजीव या दीपक। सही उत्तर है विकल्प दो, रमण। उदाहरण 5, ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुंह करके एक कतार में बैठे हैं। एफ ई के ठीक दाईं ओर है, सी बी और डी का पड़ोसी है। वो व्यक्ति जो कि डी के बाईं ओर तीसरा है वो एक छोर पर है। ए डी के दाईं ओर है, ई जी के दाईं ओर चौथा है। बताएं कि ए कौन से स्थान पर है। विकल्प है एक ई और डी के बीच में, दो एकदम दाईं ओर, तीन एकदम बाईं ओर, चार जी के दाईं ओर पांचवें स्थान पर, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प दो, ए एकदम दाईं ओर है। नोट, सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल या किसी भी घिरे हुए क्षेत्र के केस में एंटी क्लॉकवाइज टू द राइट एंड क्लॉकवाइज टू द लेफ्ट मूव होता है, अर्थात यदि हमें किसी की दाईं ओर जाना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और यदि किसी के बाईं ओर जाना है तो हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जबकि डायरेक्शन सेंस के केस में क्लॉकवाइज का अर्थ दाईं ओर और एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ बाईं ओर माना जाता है। आपको सलाह दी जाती है कि सिटिंग अरेंजमेंट की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय इन बातों को हमेशा ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करें। पृष्ठ 208, एक्सरसाइज टाइप। प्रश्न 1, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। बताएं कि एफ इनमें से कौन से जोड़े के बीच है। विकल्प है एक
बी और सी, दो बी और डी, तीन बी और ए, चार बी और ई, पांच सी और ए। ये प्रश्न रूरल बैंक एग्जाम सितंबर 1987 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प एक, बी और सी। प्रश्न दो, दो महिला और दो पुरुष ब्रिज ताश का एक खेल खेल रहे हैं। ये दोनों एक टेबल के चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में बैठे हैं। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। एक दूसरे के विपरीत ओर जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग यानी सेक्स के नहीं है। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। बताएं कि महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है। विकल्प है एक, उत्तर और पश्चिम, दो पूर्व और पश्चिम, तीन उत्तर और पूर्व, चार दक्षिण और पूर्व, पांच इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आरबीआई ऑफिसर्स एग्जाम जनवरी 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प एक, उत्तर और पश्चिम। प्रश्न तीन, पांच लड़कियां पूरब की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी हैं। सविता, उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है। उषा, तुलसा और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर हैं। उर्मिला उषा और तुलसा के बीच में है। यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो उषा दाईं ओर से किस स्थान पर है। विकल्प है एक पहला, दो दूसरा, तीन तीसरा, चार चौथा, पांच पांचवा। ये प्रश्न आरबीआई ऑफिसर्स एग्जाम जनवरी 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प चार, चौथा। निर्देश, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या चार से छह तक का उत्तर दीजिए। एक, छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। दो, ई डी के बाई ओर है। तीन, सी ए और बी के बीच में बैठा है। चार, एफ ई और ए के बीच में बैठा है। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1988 में पूछा जा चुका है। प्रश्न चार, सी के ठीक दाई ओर कौन है। विकल्प है एक एफ, दो ई, तीन ए, चार बी, पांच डी। सही उत्तर है विकल्प तीन ए। प्रश्न पांच, बी के बाई ओर कौन है। विकल्प है एक डी, दो ई, तीन सी, चार ए, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प एक डी। प्रश्न छह, इनमें से इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। विकल्प है एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प पांच, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न सात, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। पी एवं आर और एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार यानी पार्टनर हैं। एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। बताएं कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है। विकल्प है एक दक्षिण, दो उत्तर, तीन पश्चिम, चार पूर्व, पांच जानकारी अपर्याप्त है। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम जनवरी 1989 और होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दो, उत्तर। निर्देश, प्रश्न संख्या 8 से 10 तक दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न इसी जानकारी पर आधारित हैं, और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। एक, एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। दो, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। तीन, ई जो कि सी का पड़ोसी है जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। चार, डी ई और ए के बीच में है। ये प्रश्न पीओ गुवाहाटी एग्जाम मार्च 1989 में पूछा जा चुका है। प्रश्न आठ, जी के ठीक बाईं ओर कौन है। विकल्प है एक बी, दो सी, तीन ए, चार ज्ञात नहीं किया जा सकता, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन ए। प्रश्न नौ, एफ का पड़ोसी कौन है। विकल्प है एक सी और बी, दो ए और बी, तीन ई और सी, चार एफ और बी, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प एक सी और बी। प्रश्न दस, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है। विकल्प है एक सी, दो डी, तीन ई, चार ज्ञात नहीं किया जा सकता, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प एक सी। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रत्येक प्रश्न दी गई जानकारी पर आधारित है। इन जानकारियों को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 10 से 15 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पांच व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इन व्यक्तियों में से दो व्यक्ति जो कि बिल्कुल छोर पर हैं, इन दो में से एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है। एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा है। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम जनवरी 1989 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 11, लंबे व्यक्ति के दाईं ओर के किस स्थान पर है? विकल्प है एक पहला, दो दूसरा, तीन तीसरा, चार चौथा, पांच ज्ञात नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है विकल्प दो, दूसरा। लंबा व्यक्ति दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। प्रश्न 12, वो व्यक्ति जो कि कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है उसमें कौन से लक्षण व्याप्त हैं? विकल्प है एक मूर्ख, दो लंबा, तीन बुद्धिमान, चार मोटा, पांच ज्ञात नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है विकल्प तीन, बुद्धिमान, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। प्रश्न 13, इनमें से कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है? विकल्प है एक कमजोर, दो मूर्ख, तीन लंबा, चार बुद्धिमान, पांच मोटा। सही उत्तर है विकल्प पांच, मोटा, मोटा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है। प्रश्न 14, मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर बैठा है? विकल्प है एक लंबा, दो कमजोर, तीन बुद्धिमान, चार मूर्ख, पांच ज्ञात नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है विकल्प एक, लंबा, मोटा व्यक्ति लंबे व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। प्रश्न 15, यदि मूर्ख व्यक्ति और मोटा व्यक्ति आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें, इसी प्रकार लंबा और कमजोर व्यक्ति भी आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें, तो कौन सा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर बैठा होगा? विकल्प है एक मूर्ख, दो मोटा, तीन कमजोर, चार बुद्धिमान, पांच ज्ञात नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है विकल्प एक, मूर्ख, कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर मूर्ख व्यक्ति बैठा होगा। प्रश्न 16, पांच लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, अजय, रमेश और दमनिक के बीच में है, सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, रमेश सुलेमान के बाईं ओर है, बताएं कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है? प्रश्न 209, विकल्प है एक सुलेमान, दो दमनिक, तीन बाबू, चार रमेश, पांच सुलेमान या दमनिक। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम जून 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प चार, रमेश, अजय के दाईं ओर रमेश है। यदि मुंह का डायरेक्शन प्रश्न में नहीं दिया गया हो तो हमें प्रश्न को हल करते समय ऐसे प्रश्न में मुंह का डायरेक्शन केंद्र की ओर मानकर हल करना चाहिए। निर्देश, दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 17 से 21 तक के प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक, ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुंह करके एक कतार में बैठे हैं। दो, एफ ई के ठीक दाईं ओर है। तीन, सी बी और डी का पड़ोसी है। चार, वो व्यक्ति जो कि डी के बाईं ओर तीसरा है वो एक छोर पर है। पांच, ई जी के दाईं ओर चौथा है। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम अगस्त 1990 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 17, एक कौन से स्थान पर है? विकल्प है एक, ई और डी के बीच में। दो, एकदम बाईं ओर। तीन, एकदम दाईं ओर। चार, जी के दाईं ओर पांचवें स्थान पर। पांच, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन, दाईं ओर, ए एकदम दाईं ओर है। प्रश्न 18, इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? विकल्प है एक, डीसी के ठीक बाईं ओर है। दो, ई ए और एफ के बीच में है। तीन, सी बी के ठीक बाईं ओर है। चार, जी ए के दाईं ओर पांचवें स्थान पर है। पांच, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पांच, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। प्रश्न 19, इनमें से कौन सा सी के बाईं ओर है? विकल्प है एक, जी बी और डी। दो, जी और डी। तीन, डी ई एफ और ए। चार, केवल बी। पांच, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प पांच, इनमें से कोई नहीं, केवल जी और बी सी के बाईं ओर हैं। प्रश्न 20, बी का पड़ोसी कौन है?
विकल्प है एक सी और जी, दो एफ और जी, तीन सी और डी, चार जी और एफ, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प एक सी और जी, ये दोनों बी के पड़ोसी हैं। प्रश्न 21, इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है? विकल्प है एक ए एक छोर पर है, दो ई डी के ठीक बाईं ओर है, तीन जी बी के ठीक बाईं ओर है, चार एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प दो, आरेख से स्पष्ट है कि ई डी के दाईं ओर है, अतः ई डी के ठीक बाईं ओर है, ये कथन निश्चित रूप से असत्य है। प्रश्न 22, पांच व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है। बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है? विकल्प है एक मुकुंद, दो अनिल, तीन राजेश, चार विजय, पांच ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम अगस्त 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प एक मुकुंद। नागेश के दाईं ओर मुकुंद बैठा है। निर्देश, दी गई जानकारियों को पढ़कर प्रश्न 23 से 25 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छह व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। विजय सुधीर के बाएं अमर राकेश और सौरभ के बीच में है, नीरव अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये प्रश्न ऑफिसर्स ग्रेड दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 23, विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? विकल्प है एक सौरभ, दो नीरव, तीन राकेश, चार ज्ञात नहीं किया जा सकता, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प दो नीरव। प्रश्न 24, अमर और विजय के बीच में कौन है? विकल्प है एक सौरभ या राकेश, दो सुधीर या राकेश, तीन सौरभ या सुधीर, चार राकेश और सौरभ, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प एक सौरभ या राकेश। प्रश्न 25, इनमें से नीरव से अमर का स्थान कौन सा होगा? विकल्प है एक दाएं से तीसरा, दो बाईं ओर दूसरा, तीन बाएं से तीसरा, चार तय नहीं किया जा सकता, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प एक दाएं से तीसरा। नीरव से अमर का स्थान नीरव के दाएं से यानी दाएं ओर तीसरा है या फिर बाईं ओर पांचवा, क्योंकि से अर्थ नीरव को भी काउंट करते हुए है। निर्देश, दी गई जानकारियों को पढ़कर प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छह व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू दो कतारों में हैं। प्रत्येक कतार में तीन एक दूसरे के आमने सामने इस क्रम में खड़े हैं। एक यू आर के दाईं ओर दूसरा है, दो पी कतार में सबसे अंतिम है, तीन टी क्यू का पड़ोसी है, चार आर क्यू के सामने है। ये प्रश्न ग्रामीण बैंक पटना एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 26, इनमें से कौन सा एक कतार में है? विकल्प है एक पी क्यू और यू, दो टी क्यू और पी, तीन पी आर और टी, चार क्यू यू और एस, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प दो टी क्यू और पी एक कतार में है। प्रश्न 27, यदि P और Q अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लें तो Q के ठीक बाईं ओर कौन होगा? विकल्प है एक S, दो T, तीन U, चार R, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प पांच इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 28, इनमें से कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के आमने सामने है? विकल्प है एक PQ, दो ST, तीन RU, चार PS, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प दो एस टी। प्रश्न 29, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है एक पी आर के बाईं ओर दूसरा है, दो टी क्यू के बाईं ओर है, तीन आर और क्यू एक दूसरे के विकर्णीय डायगनली विपरीत हैं, चार एस पी के दाईं ओर है, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प दो टी क्यू के बाईं ओर है। प्रश्न 30, इनमें से कौन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है? विकल्प है एक पी टी, दो आर क्यू, तीन टी एस, चार यू पी, पांच इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है विकल्प एक, पीटी। निर्देश: इन जानकारियों का ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 31 और 32 के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक, एक परिवार के चार सदस्य दीपक, अजय, शुभम और ललिता ताश का एक खेल ब्रिज खेल रहे हैं। दो, दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। तीन, शुभम का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। चार, ललिता का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। पांच, अजय ललिता के बाईं ओर बैठा है। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 31, इनमें से कौन से जोड़ीदारों पार्टनर्स का जोड़ा है? विकल्प है एक, शुभम दीपक, दो, दीपक ललिता, तीन, अजय शुभम, चार, अजय ललिता, पांच, शुभम ललिता। सही उत्तर है विकल्प पांच, शुभम ललिता। प्रश्न 32, इस प्रश्न के उत्तर को ज्ञात करने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है? एक एक, दो दो, तीन चार, चार पांच, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प चार, पांच। इस प्रश्न के उत्तर को ज्ञात करने के लिए कथन या तो चार या फिर पांच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजय स्वतः उस स्थान पर जानकारी के बगैर भी आ ही जाता। निर्देश: प्रश्न संख्या 33 से 35 के प्रत्येक प्रश्न इन जानकारियों पर आधारित हैं। दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छह व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक दूसरे के ओर आमने सामने मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। बी ए और सी के बीच में है, ई एफ और डी के बीच में है, एफ ए और डी की सीध में विपरीत ओर ई के दाईं ओर बैठा है। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम अगस्त 1992 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 210। प्रश्न 33, डी इनमें से कौन से जोड़े के बीच में बैठा है? विकल्प है एक ई एफ, दो ए ई, तीन ए बी, चार सी एफ, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प दो, ए ई। प्रश्न 34, यदि बी और ई का आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए और इसी प्रकार सी और डी का भी आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए तो ए इनमें से कौन से जोड़े के बीच में होगा? विकल्प है एक सी बी, दो ई डी, तीन एफ ई, चार एफ डी, पांच इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पांच, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बी और ई के स्थान परिवर्तन कर लेने पर परिवर्तित क्रम में ए सी और ई के बीच में होगा। प्रश्न 35, डी के ठीक बाईं ओर कौन है? विकल्प है एक ए, दो बी, तीन ई, चार एफ, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प एक ए। प्रश्न 36, यदि छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है और एफ डी के बाईं ओर है, बताएं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा? विकल्प है एक ई, दो डी, तीन सी, चार बी, पांच इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आरबीआई ग्रेड ए एग्जाम जनवरी 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दो, डी। निर्देश: प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के प्रत्येक प्रश्न इन जानकारियों पर आधारित हैं। इन जानकारियों को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक, छह लड़के केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। दो, राजीव मोहन के दाईं ओर है लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। तीन, चंदर बाबू और विजय के बीच में है। चार, अजय विजय के बाईं ओर है। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम अप्रैल 1993 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 37, यदि विजय और मोहन आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले तो विजय और चंदर के बीच में कौन होगा? विकल्प है एक बाबू, दो विजय, तीन मोहन, चार अजय, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प एक, बाबू। प्रश्न 38, इनमें से कौन सा कथन लड़कों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जरूरी नहीं है? विकल्प है एक चार, दो एक, तीन दो, चार तीन, पांच सभी जरूरी हैं। सही उत्तर है विकल्प पांच, सभी जरूरी हैं। प्रश्न 39, मोहन के बाईं ओर कौन है? विकल्प है एक अजय, दो चंदर, तीन विजय, चार ज्ञात नहीं किया जा सकता,
पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प पांच, मोहन के बाई ओर बाबू है, अतः इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 40, विजय और राजीव के बीच में कौन है? विकल्प है एक बाबू, दो चंदर, तीन अजय, चार ज्ञात नहीं किया जा सकता, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन, अजय। निर्देश, प्रश्न संख्या 41 से 45 तक इन जानकारियों पर आधारित हैं। इन जानकारियों को ध्यान से पढ़कर इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, नौ मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। दो, सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तीन, बी एक छोर पर है। चार, एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। पांच, एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। छह, ए एफ के ठीक बाईं ओर है। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम अप्रैल 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न में पहला प्रश्न 41, इन कथनों में से कौन सा कथन इनके बैठने के क्रम में निरूपण के आधार पर सत्य है? विकल्प है एक, डी और एच के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। दो, बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तीन, आई ए के ठीक बाईं ओर है। चार, ई और सी पड़ोसी हैं। पांच, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प एक, डी और एच के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। प्रश्न 42, इनमें से कौन सा मित्रों का समूह सी के बाईं ओर बैठा है? विकल्प है एक, बी आई जी। दो, ए एफ एच। तीन, ई आई डी। चार, बी ए जी। पांच, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन, ई आई डी। प्रश्न 43, बी के अलावा दूसरे छोर पर इनमें से कौन है? विकल्प है एक जी, दो एच, तीन आई, चार ई, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प चार, ई। प्रश्न 44, ए का पड़ोसी कौन है? विकल्प है एक डी और सी, दो आई और एफ, तीन एफ और एच, चार ज्ञात नहीं किया जा सकता, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प पांच, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एफ और सी ए के पड़ोसी हैं। प्रश्न 45, बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है? विकल्प है एक एच, दो सी, तीन ए, चार जी, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन, ए। निर्देश, प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न इन जानकारियों पर आधारित हैं। इन जानकारियों को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, 11 छात्र ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के कक्षा की पहली पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हैं। दो, डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तीन, ए ई के जो कि एक सिरे पर बैठा है दाईं ओर दूसरे स्थान पर हैं। चार, जे ए और बी के निकटतम पड़ोसी हैं और जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हैं। और पांच, एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 46, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? विकल्प है एक जी, दो बी, तीन सी, चार आई, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प चार, आई। प्रश्न 47, मित्रों का कौन सा समूह जी के दाईं ओर है? विकल्प है एक सी एच डी ई, दो सी एच डी एफ, तीन आई बी जे ए, चार आई सी एच डी एफ, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प दो, सी एच डी एफ। प्रश्न 48, इन जानकारियों में से कौन सी जानकारी आवश्यकता से अधिक है? विकल्प है एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच कोई आवश्यकता से अधिक नहीं है। सही उत्तर है विकल्प पांच, कोई भी जानकारी आवश्यकता से अधिक नहीं है, अतः इन सभी जानकारियों की आवश्यकता है। प्रश्न 49, बैठने के इस व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है एक, डी और सी के बीच तीन छात्र हैं। दो, जी और सी पड़ोसी हैं जो कि एच के ठीक दाईं ओर बैठे हैं। तीन,
बी जे और आई के बीच में बैठा है, चार के ए और जे के बीच में बैठा है और पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन। बैठने के इस व्यवस्था के संदर्भ में बी जे और आई के बीच में बैठा है, यही कथन सत्य है। प्रश्न 50। यदि ए और डी, सी और बी, ए और एच तथा के और एफ अपने अपने स्थान अदल बदल कर लें तो दोनों सिरों पर बैठे हुए छात्रों का जोड़ा इनमें से कौन सा होगा? विकल्प है एक डी और ई, दो ई और एफ, तीन डी और के, चार के और एफ, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन डी और के। नोट, अध्यापक की ओर मुंह करके बैठने का अर्थ आपकी ओर मुंह करके यानी ऐसे प्रश्नों में हमें ऐसे प्रश्नों को हल करते समय बैठने वाले का मुंह अपनी ओर करते हुए बैठाने का क्रम निरूपित करना चाहिए। इस स्थिति में आपका बायां आपके सामने बैठने वाले का दायां और आपका दायां आपके सामने बैठने वाले का बायां होगा। प्रश्न 51। ब्रजेश, जयेश, अमर और प्रवीर ताश खेल रहे हैं। अमर जयेश के दाईं ओर है जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है। अमर के दाईं ओर कौन है? विकल्प है एक जयेश, दो ब्रजेश या प्रवीर, तीन ब्रजेश, चार प्रवीर, पांच इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प चार प्रवीर। प्रश्न 211। निर्देश, प्रश्न संख्या 52 से 56 तक के प्रत्येक प्रश्न इन जानकारियों पर आधारित हैं। इन जानकारियों को ध्यान से पढ़कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक, ए बी सी डी ई एफ और जी पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं। दो, सी डी के ठीक दाईं ओर है। तीन, बी अंतिम किसी छोर पर है और उसके पड़ोस में ई है। चार, जी ई और एफ के बीच में है। पांच, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है। ये प्रश्न एलआईसी असिस्टेंट एग्जाम मार्च 1994 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 52। इनमें से कौन से व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का है? विकल्प है एक ए ई, दो ए बी, तीन एफ बी, चार सी बी, पांच ज्ञात नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है विकल्प दो ए बी। ए और बी अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का जोड़ा है। प्रश्न 53। इनमें से कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है? विकल्प है एक एक, दो दो, तीन तीन, चार सभी जानकारियां आवश्यक हैं, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प चार सभी जानकारियां आवश्यक हैं। प्रश्न 54। डी इनमें से कौन से जोड़े के बीच में बैठा है? विकल्प है एक सीई, दो ए सी, तीन सी एफ, चार ए एफ, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन सी और एफ। डी सी और एफ के बीच में बैठा है। प्रश्न 55। इनमें से कौन सा व्यक्ति सी से जगह बदल ले तो वो उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा? विकल्प है एक जी, दो एफ, तीन ई, चार ज्ञात नहीं किया जा सकता, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प पांच इनमें से कोई नहीं। सी से जगह बदल लेने पर कोई भी व्यक्ति उत्तरी सिरे से तीसरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सी से जगह बदलने वाला कोई भी व्यक्ति हर हाल में उत्तरी सिरे से छठा व्यक्ति ही होगा। प्रश्न 56। ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? विकल्प है एक एफ, दो डी, तीन सी, चार ए, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प पांच इनमें से कोई नहीं। ई के दाईं ओर जी बैठा है। प्रश्न संख्या 57 से 59 तक के लिए निर्देश, इन जानकारियों को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, छह मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके ताश खेल रहे हैं। दो, सुबोध प्रबोध के दाईं ओर है। तीन, उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है। चार, सुबोध और उमा के बीच में प्रवीर है और प्रवीर आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये प्रश्न पीओ एग्जाम जून 1994 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 57। यदि आलोक और सुबोध परस्पर स्थान बदल लें तो प्रवीर के दाईं ओर दूसरा कौन होगा? विकल्प है एक सुधा, दो उमा, तीन सुबोध, चार प्रबोध, पांच इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है विकल्प तीन, सुबोध। यदि आलोक और सुबोध परस्पर स्थान परिवर्तन कर लें तो प्रवीर के दाई ओर दूसरा व्यक्ति सुबोध होगा। प्रश्न 58, सुधा के दाई ओर कौन है? विकल्प है एक प्रवीर, दो आलोक, तीन प्रबोध, चार उमा, पांच जानकारी अधूरी है। सही उत्तर है विकल्प तीन, प्रबोध। प्रबोध सुधा के दाई ओर है। प्रश्न 59, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इनमें से कौन से कथन की जरूरत नहीं है? विकल्प है एक, सिर्फ तीन या चार, दो केवल चार, तीन केवल तीन, चार केवल चार, पांच इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प तीन, केवल तीन। प्रश्न 60, चार मित्र ताश खेल रहे हैं। शंकर मनोहर के दाई ओर था और उमरीगर जितेश्वर के बाई ओर था, इनमें से कौन सा जोड़ा जोड़ीदारों यानी पार्टनर्स का है? विकल्प है एक, मनोहर और जितेश्वर, दो उमरीगर और शंकर, तीन मनोहर और शंकर, चार उमरीगर और मनोहर, पांच इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न यूपीएससी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प चार, उमरीगर और मनोहर, ये दोनों जोड़ीदार यानी पार्टनर्स हैं। प्रश्न 61, छह लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है और सुधा के दाईं ओर है, सरिता के सामने शिल्पी है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर और शोभा के दाईं ओर है। यदि सरोज सरिता से और शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है